क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान को 56 भोग क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए आज हम इसी गुत्थी से पर्दा उठाने वाले हैं। सनातन धर्म में भगवानों को 56 भोग चढ़ाने की मान्यता है। त्योहारों या किसी खास मौकों पर भगवान को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, इसलिए 56 भोग के पीछे भी एक अहम वजह है। तो किसने शुरू की ये परंपरा, चलिए जानते हैं। ये परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई थी। दरअसल इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रातों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाए रखा था। 8वें दिन जब बारिश रुकी तो सारे ब्रजवासी पर्वत से बाहर आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 7 दिन से भूखे थे। इसलिए सारे ब्रजवासियों ने ये निर्णय लिया कि श्री कृष्ण को खाना खिलाते हैं, जिस पर माँ यशोदा ने बताया कि उनका लल्ला दिन में 8 पहर के हिसाब से 8 बार खाना खाता है। तो सारे ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 भोग तैयार किए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए, और तब से लेकर आज तक भगवानों को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। हिंदू धर्म में एक और मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति के रूप में पाने के लिए 1 महीने तक यमुना के भोर में स्नान किया और कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की थी। तब उनकी मनोकामना पूरी होने पर और व्रत समाप्त करने के लिए उन गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया था। तब से 56 भोग चढ़ाने की मान्यता है।